हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल इंग्लिश बाय एनके सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे जो टेंस कंटिन्यू चल रहे हैं उसमें पास्ट सिंपल आज का हमारा टेंस होगा। इससे पहले जो चार वीडियोस में मैंने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ाया है, उन सारे वीडियो के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है टेंस हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जिसमें अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो हिंदी सेंटेंस की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं वह गांव जाता था तो पास्ट सिंपल का है, वह सब मैदान में खेलते थे, पास्ट सिंपल हैं। इनके अलावा अगर किसी सेंटेंस में पीछे क्रिया की जो ध्वनि है इन सब अक्षरों से हो, जैसे आ, ई, ए, तो वो भी पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे उसने मुझे एक नई किताब दी, तो यहाँ पर ये पहचान आ रही है। वे मेरे साथ जोधपुर चले, तो ए की ध्वनि आ रही है। उसने मेरा खाना खाया, तो आ की ध्वनि आ रही है। ऐसे सेंटेंस भी पास्ट सिंपल में माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो यहाँ पर क्रिया विशेषण लिखी हुई हैं उसमें सबसे पहले यस्टरडे, बीता हुआ कल, वंस एक बार, टाइम प्लस अगो यानी समय के साथ अगो जुड़ा हुआ आता है तो वो भी पास्ट सिंपल होता है। द अदर डे एक दिन पहले, लास्ट और प्रीवियस प्लस टाइम, लास्ट और प्रीवियस के साथ समय जुड़ा हुआ हो तो वो भी पास्ट सिंपल हैं। नेक्स्ट एडवर्ब है इन प्लस बीता हुआ समय, पास्ट टाइम, इनके साथ अगर कोई पास्ट टाइम जुड़ा हुआ हो वो भी पास्ट सिंपल है। जैसे इन 2005 2005 में, इन 2012 2012 में, इन 1857 1857 में, तो इनके बाद में बीता हुआ समय। और नेक्स्ट जो है इन चाइल्डहुड, इन यूथ, ऐसे एडवर्ब आ सकती हैं। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे इन स्कूल डेज, ऐसा भी आ सकता है स्कूल के दिनों में, वो भी एडवर्ब होती हैं स्कूल के दिनों में। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। और नेक्स्ट जो है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है यानी सेकंड कंडीशन। यदि इफ के साथ, इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो उसमें वर्क की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करो, यदि उसके अगले वाले वाक्यों में वुड प्लस वी वन हो तो। नेक्स्ट इसमें यूज क्या होगा, इस टेंस में यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कोई भी जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी जो फॉर्म के हैं, किसी की वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग इस पास्ट सिंपल में होगा और वो भी ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, सकारात्मक वाक्यों में होगा। अगर इसी टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड प्लस वी वन का प्रयोग होगा, डिड प्लस वी वन का प्रयोग होगा। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें पहला सेंटेंस है वी टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढनी है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है और इसका टेंस क्या हो सकता है। यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है तो यस्टरडे हमारे पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है जो सबसे पहले लिखी हुई है, तो यहीं से टेंस की हम पहचान कर सकते हैं। ये किसी इंग्लिश के वाक्य को पहचानने की कि किस टेंस में चल रहा है ये एडवर्ब बताती हैं। पास्ट सिंपल पता चल गया यहाँ से, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, डब्ल्यू ई एन टी, वेंट, यहाँ पर पहले में आएगा डब्ल्यू ई एन टी, वेंट। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, ही लॉस हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन लास्ट नाइट। यहाँ पर देखो लास्ट पिछली या पिछला और नाइट समय जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें ये पास्ट का टाइम बताता है। तो यहाँ पर लॉस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एल ओ एस टी, लॉस्ट। ठीक है, लूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, इसका प्रोनंसिएशन लूज है। इंडिया फ्रीडम इन 1947, यहाँ पर देखो इनके साथ बीता हुआ समय आ रहा है। ठीक है, ये भी पास्ट का फॉर्म है, पास्ट का हमें बता रहा टाइम। तो इंडिया, इंडिया ने
भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? GOT, गॉट। तो तीसरी खाली जगह में आ जाएगा गॉट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वंस आई सी इसकी मेन वर्ब है अ स्नैक ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पर देखो एडवर्ब सबसे पहले आ रही है सेंटेंस में, वंस एक बार, तो ये पास्ट की हमें इंट्रोडक्शन कर रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है, सी यानी देखना, सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? SAW, सा। क्या होती है? SAW, सा यानी देखा। मैंने एक बार मैंने सड़क पर सांप देखा। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में जो वर्ब्स दी हुई हैं, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें उस टेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ब को चेंज करना है। फिर है दे ऑल देयर मनी लास्ट ईयर। यहाँ पर देखो लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है, पास्ट सिंपल है। और स्पेंड यानी खर्च करना, व्यतीत कर देना, तो स्पेंड की सेकेंड फॉर्म होगी SPENT, स्पेंट। क्या हो जाएगा? SPENT, स्पेंट। तो मीनिंग क्या हो गया? उन्होंने पिछले साल अपना सारा धन खर्च कर दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है सी नॉट प्ले इसकी वर्ब है टेनिस इन चाइल्डहुड। ये देखो सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो अब हम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहली खाली जगह में नॉट से पहले डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, और दूसरी जो ब्लैंक है खाली जगह उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो सी नॉट, यहाँ पर पहले एडवर्ब भी देख लो, इन चाइल्डहुड दिख रहा है ना यहाँ पर, इन चाइल्डहुड बचपन में, तो ये जो शो कर रहा है पास्ट टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहली जो ब्लैंक है खाली जगह उसमें आएगा डिड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरी जो नॉट के बाद खाली जगह उसमें प्ले ही आएगा वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पांच छठी खाली जगह में सी डिड नॉट प्ले, वह बचपन में टेनिस नहीं खेलती थी। फिर नेक्स्ट आ रहा है सी इफ सी ब्लैंक मी आई वुड स्टार्ट अ शॉप। यहाँ पर देखो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की यहाँ पर मैंने एडवर्ब बताइए पहचान के, अगर वाक्य इफ से शुरू होता है कंडीशनल सेंटेंस, तो उसके एक तरफ अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पहली खाली जगह में आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इफ से स्टार्ट हो रहा है, इधर देखो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हेल्प का क्या हो जाएगा? HELPED, हेल्प्ड। यदि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यदि वह मेरी मदद करती, आई वुड स्टार्ट अ शॉप, तो मैं एक दुकान शुरू करता या करती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के सॉरी वर्ब के स्थान पर बी लिखा हुआ है, बी फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की। तो ध्यान दें कि अगर टाइम एडवर्ब टेंस का सवाल पूछे और ब्रैकेट में बी लिखा हुआ हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी खाली जगह में आंसर आएगा वॉज या वर। क्या आएगा? वॉज या वर, क्योंकि जो बी वर्ब है, बी वर्ब की जो पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म है वो वॉज वर होती है, इसलिए बी वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। इसलिए यहाँ पर हम बी के लिए इस खाली जगह में वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देयर अ बिग बनियन ट्री, बी वाले सवाल में देयर वाला जो सेंटेंस है उसके से शुरू उसी से शुरू होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पर अब वॉज भरे इस खाली जगह में वर भरे, तो पीछे देखिए यहाँ पर जो संज्ञा आ रही है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमारा ब्लैंक में खाली जगह में आंसर आएगा वॉच। क्या आएगा? वॉच, देयर वॉच। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर बी की पास्ट फॉर्म वॉज या वर का प्रयोग करें, ठीक है, तो ही अ गुड स्विमर, बी आ रहा है तो बी यहाँ पर ही के लिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग कर दे, ही वॉज अ गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक था। देयर मैनी मंकीज इन द ट्री, पेड़ पर अनेक सारे बंदर थे, अनेक सारे प्लूरल हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, तो वो मैं आपको सोल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है 2023 का, ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ था क्वेश्चन, वंस देयर अ किंग, ठीक है। यहाँ पर बी फॉर्म आ रही है, बी के लिए हमें क्या यूज़ करना है? वॉज वर, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी वापस आ गया, ये नहीं हो सकता है, आर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है।
फिर यहाँ पर वॉज और वर दिया हुआ। अब वॉज भरे या वर भरे, यहाँ पर देखिए किंग सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर आएगा वॉज, तो इसमें बी सही होगा। तो इसी तरह से हम बोर्ड के क्वेश्चन के साथ साथ टेंस भी समझते रहेंगे। ये हमारा आज पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।